के ग्रामीण इलाकों से हुई नक्सलवाद की उत्पत्ति ने आज अपने पैर कुछ इस कदर फैला लिए हैं कि ये देश के कई राज्यों में सक्रिय हो गए हैं। और देश में आतंक फैलाने से बाज नहीं आ रहे हैं। मई की शुरुआत ही नक्सलियों के हमले से हुई, जब महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में एक बड़े नक्सली हमले को अंजाम दिया गया। नक्सलियों ने आईईडी से ब्लास्ट कर पुलिस के C-60 कमांडोज की गाड़ी को उस वक्त निशाना बनाया जब कमांडोज उस जगह से जा रहे थे जहां सुबह से ही माओवादियों ने करीब 25 से 30 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया था, जिसमें करीब 16 जवानों के शहीद होने की खबर है। कुरखेड़ा तालुका के पास अंजाम दिए गए इस हमले की वजह पिछले साल 22 अप्रैल को सुरक्षा बलों की तरफ से मार गिराए गए करीब 40 नक्सलियों के बदले के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि क्षेत्र में इस तरह के नक्सली हमले की उसी के बाद से आशंका जताई जा रही थी, जिसे आज नक्सलियों ने अंजाम दिया है, जिसकी पीएम मोदी समेत गृह मंत्री राजनाथ सिंह और महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी निंदा की है। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने हमले की पुष्टि करते हुए लिखा कि ये जानकर बहुत दुखी हूँ कि गढ़चिरौली C-60 सुरक्षा बल के हमारे 16 पुलिसकर्मी नक्सलियों के कायरतापूर्ण हमले में शहीद हो गए। मेरी संवेदनाएं उनके परिवारों के साथ है। मैं DGP और गढ़चिरौली SP से संपर्क में हूँ। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने ट्वीट किया, महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में जवानों पर हुए घिनौने हमले की कड़ी निंदा करता हूँ। मैं सभी बहादुर जवानों को सलाम करता हूँ। उनका बलिदान भुलाया नहीं जाएगा। मेरी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं। इस हमले के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। फिर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी पीड़ित परिवारों को ट्वीट कर हर संभव मदद देने का वादा किया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि गृह मंत्रालय प्रदेश सरकार के संपर्क में है और उन्हें हर संभव सहायता मुहैया करा रही है। बता दें कि इससे पहले लोकसभा चुनाव के लिए होने वाले पहले चरण के मतदान से एक दिन पहले महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में CRPF की पेट्रोलिंग टीम पर नक्सलियों ने हमला किया था। नक्सलियों ने CRPF की पेट्रोलिंग टीम पर किए गए IED ब्लास्ट की चपेट में कई जवान आ गए थे।